माननीय मंत्री जी, माननीय हमारा नाम लिए माननीय मंत्री जी, माननीय नेता प्रतिपक्ष अपनी बात कह लें उसके बाद। एक हमारा माननीय मंत्री जी नाम लिए, मैं उनसे आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, माननीय मंत्री जी चूंकि आपने हमारा नाम लेके कहा, मैं वही कह रहा हूँ, एक मिनट सुनिए तो बैठे, बैठ जाइए। आपने बहुत बड़ा इंतजाम किया, गंगा नदी में भीषण बाढ़ बलिया में आई, आप भी गए, माननीय मुख्यमंत्री जी भी गए, न आपने कुछ घोषणा किया ना माननीय मुख्यमंत्री जी घोषणा किए। पहले बात सुन लीजिए, अभी सरजू नदी में बाढ़ आ गई घोर घोर, मेरे क्षेत्र के 4-5 गांव बिल्कुल डूब गए, 10। नाव कहते कहते हम लोग थक गए, नाव की व्यवस्था नहीं हुई, रामपुर नंबरी सुवरहा और चितबिसा बिल्कुल डूब गया, बिजली काट दी गई कि राशन तेल आप दे ही नहीं रहे। और जो 15-16 की बात कहा माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी ने, आपको पता होगा माननीय मुलायम सिंह यादव जो मुख्यमंत्री थे तब, माननीय अखिलेश यादव जो मुख्यमंत्री थे तब, बाढ़ पीड़ितों को एक बोरा आटा, एक बोरा चावल, एक बोरा आलू, तेल, नमक, मसाला, कटान में जिनका पक्का घर गिरा पक्का का मुआवजा, जिनका कच्चा घर गिरा कच्चा का मुआवजा, जिसका छप्पर गिरा छप्पर का मुआवजा, और माननीय मुलायम सिंह यादव ने जिसका खेत गिर गया कटान से, उस खेत का भी मुआवजा देने का काम किया था। क्योंकि 15-16 की आपने बात कह दी, आपने बहुत इंतजाम किया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बलिया गए थे तो माननीय मंत्री जी को भी पता होगा, बलिया के मंत्री जी होंगे उनको पता होगा, बलिया के जो मंत्री जी है संसदीय राज्य मंत्री जी, उनके क्षेत्र में और आधा आधा मेरे क्षेत्र में एक बहुत बड़ा सुराहा ताल है, एक गंगा के पानी जब बढ़ता है तो ताल में पानी चला जाता है, घटता है तो कोठल लाल से वापस जाता है। माननीय मंत्री जी वहां का जो रेगुलेटर बना हुआ है बिल्कुल वो जो खत्म हो चुका है, और जो आपने कहा सफाई, 3-3 बार उसकी सफाई किया गया है, आप ईमानदारी से पता लगा लीजिए कि कटहल नाले का सफाई कभी हुआ है क्या, ईमानदारी से आप पता लगा लीजिए, मैं कोई आप आरोप नहीं लगा रहा हूं, सफाई न होने के कारण आज कई हजार एकड़ किसानों का फसल सुराताल में नष्ट हो गया, 3 साल से हो रहा है। बाढ़ का मुआवजा मैं पिछली बार भी कहा था कि फसल का मुआवजा दे दीजिए, जो बाढ़ से नष्ट हुआ है अजोल जमाव से नष्ट हुआ, नहीं मिला, पिछले साल भी कहा नहीं मिला, इस बार भी फसल डूब गए गंगा में घाघरा में सुराह में, आप मुआवजा तो किसानों को दे दीजिए, यही मेरा आपसे कहना है। माननीय अध्यक्ष जी ये कहने बात है, माननीय अध्यक्ष जी अभी चूंकि मंत्री जी हैं और बाढ़ पे चर्चा हो रही है इसलिए मैं मंत्री जी के संज्ञान में डालना चाह रहा हूँ, मेरे क्षेत्र में सठियां ब्लॉक है, जो ये पूर्वांचल एक्सप्रेस वे जो बन रहा है वो भी बाढ़ और पानी से ही जुड़ी हुई बात है, कम से कम 2000 एकड़ जमीन, 100-200 बीघे की बात नहीं हो रही, कम से कम 2000 एकड़ जमीन आप लोग देख लीजिए, उसकी वीडियो भी है, और वो चूंकि पानी निकल नहीं पाता है उसकी निकासी नहीं बनी है, बार बार आता है कि भाई अभी उद्घाटन हो जाएगा, तो वो अच्छी बात है, एक प्रोग्रेस ही हो रही है, लेकिन मैं माननीय मंत्री जी से बहुत निवेदन करके आपके संज्ञान में ये बात डालना चाहता हूँ, चूँकि देखिए आपकी बातों से ये लग रहा है कि भाई आप रात दिन लगे हो और बहुत मेहनत कर रहे हैं, तो मैं आपसे बहुत विनम्रता से ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि इसको आप प्रायोरिटी पर देख लें, और ये कम से कम 30-40 गाँव, 1-2 गाँव नहीं, 30-40 गाँव की ज़मीनें बिल्कुल पानी से भरी हुई हैं, वो बेचारे अपना अनाज या फसल ही नहीं बो पा रहे हैं। मेरे पास अभी परसों भी फोन आया था अध्यक्ष जी, कल भी फोन आया था कि आप कृपया करके इसको सदन में संज्ञान में डाल दीजिए, तो मैं माननीय मंत्री जी को, हमारे यहाँ सगड़ी है, हमारे यहाँ गोपालपुर भी है देवारा का वो बेल्ट, वो घाघरा नदी का, वहाँ भी कोई उन लोगों को राहत नहीं मिली, बड़े पैमाने पर बाढ़ तबाही मचा रही है, और ख़ास तौर से मैं ये अपने ब्लॉक वो देवारा वो सठियाँ में अपनी विधानसभा की
बात कह रहा हूं, कृपया करके इसे दिखा लें और पानी निकलने का प्रबंध कर दें ताकि पीड़ित किसानों को उससे मुक्ति मिल जाए। धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय अध्यक्ष जी, काफी विषय हमारे नेता प्रतिपक्ष ने, हमारे नेता प्रतिपक्ष जो हैं उनको मैं बहुत आदर करता हूँ, नेता प्रतिपक्ष का मैं बहुत आदर करता हूँ, सम्मान करता हूँ, लेकिन लेकिन मैं इनको बहुत आदर और सम्मान करता हूँ मान्यवर, लेकिन इतना वरिष्ठ व्यक्ति जब इतनी बड़ी झूठ बोलते हैं तब मुझको जरूर थोड़ा थोड़ा कष्ट होता है। सत्य से परे जब कुछ कहते हैं तो निश्चित रूप से मुझको कष्ट होता है। मान्यवर, मैं माननीय अध्यक्ष जी आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, हमारे सब साथी लोग स्मार्टफोन रखते हैं और सबके पास गूगल बाबा हैं, जरा गूगल बाबा से पूछें कि 2013, 14, 15, 16 में कितनी जमीन बाढ़ से प्रभावित हुई थी। नंबर वन, माननीय अध्यक्ष जी ये बात ये राहत आयुक्त तय करते हैं, मेरा बाढ़ डिपार्टमेंट नहीं, ये राहत आयुक्त के यहाँ से, रेवेन्यू डिपार्टमेंट से जमीन कितनी प्रभावित हुई वहां से निश्चित किया जाता है, डिजिटल अधिकारी इसको बना के देते हैं। हमारे आदरणीय नेता प्रतिपक्ष जी बहुत वरिष्ठ हैं, हम लोग इनसे बहुत कुछ सीखते रहते हैं, तो ये राहत आयुक्त के उस पर सब चीजें वेबसाइट पर हैं, अगर जानना चाहेंगे तो गूगल बाबा बताएंगे कि कितनी जमीन प्रभावित हुई थी और 2019 और 2020 और 2021 में कितनी जमीन प्रभावित हुई, ये सबको पता चल जाएगा मानव। दूसरी बड़ी बात, आपने हमारे नेता प्रतिपक्ष जी ने बलिया की बात कही है, हम सब लोग अच्छी तरीके से जानते हैं कि इधर से सरयू जाती हैं और उधर से गंगा आती हैं और दो छोटी छोटी नदियां भी हैं बलिया की जो जाकर के उसमें मिलती हैं और 140 नदियां सब मिला के 140 किलोमीटर गंगा का पाट है, 120 किलोमीटर हमारे सरयू का पाट है और दोनों जाकर के जहाँ मिलती हैं समुद्र जैसा दृश्य बन जाता है। निश्चित रूप से हम लोग भी भाई हवाई सर्वेक्षण भी हम लोगों ने करके देखा। एक मैं माननीय अध्यक्ष जी, मैं मंत्री बनने के बाद अपने सभी जनप्रतिनिधियों को पत्र लिखा, हो सकता है आप लोगों को भी पत्र हमारा मिला हो, सबको लिखा, नेता विपक्ष पक्ष सबको लिखा, जिसके यहाँ जो भी संवेदनशील अति संवेदनशील बाढ़ से प्रभावित होने वाला एरिया हो, आपका कोई प्रस्ताव हो तो आप दे सकते हैं। और मान्यवर, मैं दावे के साथ इस बात को कह सकता हूँ कि जिन जनप्रतिनिधियों ने प्रस्ताव दिया 100% प्रस्ताव हमने स्वीकृत करके उस पर काम कराने का काम किया है। मान्यवर 148 करोड़, माननीय नेता प्रतिपक्ष जी आप बहुत हमारे वरिष्ठ हैं, 148 करोड़ का काम केवल बलिया के अंदर हुआ मान्यवर, और वो सब काम जितना काम किया गया वो लगभग सब काम आज काम आ रहा है। 22 लाख क्यूसिक आज की तारीख में, अभी वर्तमान समय में पानी तेजी के साथ घट रहा है लेकिन आज भी 20 लाख क्यूसिक पानी प्रेजेंट टाइम में बलिया में है। उसके बावजूद भी हमारी बात तो सुन ले, अब हो गया हमारी बात। हाँ, मैं आपकी बात पे आ रहा हूँ। ये 20 लाख क्यूसिक पानी होने के बावजूद भी आप जानते हैं, आप बलिया में रहते हैं, आपसे ज्यादा हो सकता मैं ना जानता हूँ, लेकिन हमारे सब बंधे सुरक्षित हैं, सब लोग सुरक्षित हैं, गाँव में पानी गया है, फसल में पानी गया। अब सरयू की बात आप कर रहे थे, अभी जो उत्तराखंड में और बाकी जगहों पर बरसात हुई सारदा और इसका पानी आने के कारण मान्यवर, निश्चित रूप से सरयू का पानी कल 4.5 लाख क्यूसिक मीटर डिस्चार्ज हो रहा था, पहुंचते पहुंचते वो बलिया पहुंचा है, लेकिन अब तेजी के साथ गंगा का पानी घटने के कारण सरयू का पानी भी घट रहा है, 2-1 दिन के अंदर ठीक हो जाएगा। आपने कहा है कि मुआवजा लोगों को मिलना चाहिए, निश्चित रूप से हमने कहा कि सर्वे कराया जा रहा है, जिन किसी की फसल भी इसमें नष्ट हुई है, बर्बाद हुई है, उनको सबको उसका मुआवजा दिया जाएगा। किसानों के लिए पूरी तरीके से ये सरकार समर्पित है और हर तरीके की सुविधा हमारे किसान भाइयों को दी जाएगी। माननीय मंत्री जी सुराहा के विषय में जो मैंने कहा, एक बहुत बड़ा वो सुराहा ताल है, 16 कोस में, कोस माने भोजपुरी कोस, और हजारों एकड़ फसल 3 साल से किसान न बो पा रहे हैं न उनका कुछ हो पा रहा है, कटहल नाला बिल्कुल संकेत हो गया है, रेगुलेटर जो गंगा पे बना है और कटहल नाले के बीच में वो खत्म हो चुका है, नया रेगुलेटर बनवा दीजिए, कटहल नाले की सफाई करवा दीजिए, नया रेगुलेटर बनवा दीजिए, ये सुराहा के किनारों हजारों गांव जो बसे हैं
वहाँ के किसानों को भी खाने का अन्न उगाने का अवसर मिल सके। ठीक है, मैं इस सूचना को अग्राह्य करता हूँ। इस पर काफी विचार आ गए हैं, इस पर काफी विचार आ गए हैं और सरकार का उत्तर भी आ गया है। मैं माननीय ओम प्रकाश राजभर जी को बुलाता हूँ। ओम प्रकाश राजभर जी,